प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की एक लड़की आयशा, जिसका भारत में ऑपरेशन हुआ है और कहा जा रहा है कि उसकी हार्ट की सर्जरी भारत में हुई है और भारतीय डॉक्टर्स ने उसकी सर्जरी एकदम फ्री में किया है, जिसका खर्चा लगभग 30 से 35 लाख रुपए था। तो इसी मुद्दे पे हम देखेंगे पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। ये खबर सुन के हैरत हुई है, यकीन आया कि वो यार इंडियन ने पाकिस्तानी को दिल दे दिया, और दिल वो नहीं जो हम कहते हैं कि तुम्हें दिल दे दिया, वाकई में अपना दिल डोनेट कर दिया। मेरे लिए तो बड़ी हैरान करने वाली खबर है, आप क्या कहेंगे? वापस आओगे आप इंडिया? जी आएंगे इंशाल्लाह। इंडिया गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच। सबसे पहले बात ये है कि बहुत अच्छा गेस्ट कर दिया है अपना हमसाए मुल्क ने। हैरानी की बात मैं ये कहूँगा, मुझे इस तरह से हैरानी हो रही है कि एक कंट्री जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ है, तो आज उसकी मेडिकल फैसिलिटी इस लेवल तक पहुँच चुकी है कि वो तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्र है कि हमारे कंट्री में इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल क्यों नहीं है। एक पाकिस्तानी जो है उसको इंडिया में जाके ऑपरेशन कराना पड़ रहा है। क्या खबर थी? खबर ये थी वो इंडियन दिल लगा है उसके अंदर। हाँ, तो ये ठीक किया गलत किया? पाकिस्तानी करते हैं, पाकिस्तानी सबसे आगे हैं। ये बात आप पाकिस्तानी को करके तो देखे, पाकिस्तानी जज्बे में, हिम्मत में, एक मेहमान नवाजी में, हर चीज में सबसे आगे हैं। ठीक, और ये नजर भी आते हैं। अच्छा, आप कुछ कहने लगे थे या कहना चाह रहे? मैं ये कह रहा था इतनी इंडिया में पॉजिटिव ही नहीं है लोगों के माइंड में जितनी पाकिस्तान में। आप मजहब के हवाले से बात करें, वैसे तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आपसे ये मैं क्वेश्चन करता हूँ कि भाई ये जो ट्रांसप्लांट हुआ है, हर्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर ये हिंदू का दिल हुआ, हिंदू ने डोनेट किया हुआ, तो क्या आपको लगता है ये जायज है? मतलब कि भाई एक मुस्लिम लड़की को हिंदू का दिल अगर लग गया तो? ये बात मेडिकल हिस्ट्री में मेरे ख्याल से मैंने पहली दफा सुनी है कि हार्ट ट्रांसप्लांट, पहले हेयर का ट्रांसप्लांट होता है, लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं ये वाला, लेकिन मेडिकल हिस्ट्री के अंदर ये सबसे पहला काम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये हार्ट की जो सर्जरी होती है मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा का तो ही होता है, ये 8 से 10 घंटे की होती है। उसने भी अपने आप को कटवाया, उसने भी कटवाया, लेकिन एक इंसानियत को जिंदा कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है, ये ना तो इंडियन है ना कोई पाकिस्तानी है, सबसे पहले इंसानियत है। ओहो, तो एक इंसानियत के नाते अगर किसी ने उसके लिए अगर काम किया तो ये बहुत अच्छी चीज है, और हम सब कोई बल्कि इससे सीखना चाहिए कि मजहब को साइड पर रखें, सबसे पहले इंसानियत है। इस इंसान को अप्रिशिएट करने के बजाय वो जिस कंट्री से बिलोंग करता है उस कंट्री को अप्रिशिएट किया जाएगा। पाकिस्तानी और इंडियन अवाम हमेशा से एक दूसरे से दिल से मोहब्बत करते हैं। मैंने जब भी देखा है ना, कोई इस तरह की नेगेटिविटी नहीं देखी जिसको सोशल मीडिया पे एक हाइप बना के क्रिएट किया जाता है, पाकिस्तान इंडिया ये वो, मतलब जिस तरह मैंने कभी भी दोनों कंट्रीज, हमारे रिसेंटली मैं एक ताहिर खान की वीडियो देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, इंडिया से गेस्ट आए हुए थे, उसके रेस्टोरेंट पे गए, वहाँ पे खाना वगैरह खाया, पाकिस्तानियों ने किस तरह का वहाँ पे आप रिस्पांस दिया। सेम इसी तरह जब पाकिस्तानी इंडिया जाते हैं उनको भी इसी तरह का रिस्पांस मिलता है। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, एक दो दिन से काफ़ी ज़्यादा इसे डिस्कस किया जा रहा है। पाकिस्तान से 19 साल की आयशा नामी लड़की, जिसका दिल ऑलमोस्ट फेल हो चुका था, बीमार थी, पाकिस्तान से वो इंडिया में गई, वहाँ पे उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, और बड़ी बात ये है कि जो दिल डोनेट किया गया वो भी एक इंडियन है जिन्होंने दिल हार्ट उसे उन्हें डोनेट किया। इसी वाले से पाकिस्तान की जो पब्लिक है, खासतौर पे पाकिस्तान के नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि कैसा लगा इस खबर को सुन के कि एक इंडियन ने पाकिस्तान को दिल दे दिया, पाकिस्तानी को, और वो भी सिर्फ कहने पर नहीं बल्कि हकीकत में ये दिल दिया, ट्रांसप्लांट किया गया और ऑपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल करीम खान। आपका नाम? अहमद रजा। और आपका नाम? मोहम्मद युमुक। अबू बकर सिद्दीक। मोहम्मद शहजाद। ठीक है जनाब, आपने सवाल तो सुन लिया होगा, जो टॉपिक है वो आपने सुन लिया होगा कि पाकिस्तान की एक लड़की है, इंडिया में उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, और बड़ी खबर ये है कि भाई वो जो दिल ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, वो डोनेट भी एक इंडियन ने किया। पहली बात तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंसानियत के नाते अभी भी हमें ये मालूम हो रहा है कि लोगों के अंदर, चाहे मुल्क अलहदा है लेकिन इंसानियत है, जबरदस्त और बहुत ही जबरदस्त है। और मैं उन सब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने इसको कोऑपरेट किया, जिन्होंने, उन डॉक्टर्स का शुक्रिया जिन्होंने ऑपरेट किया। जी बिल्कुल, के और इस मामले में हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भी, हमारे मुल्क वाले भी ये करें कि इंसानियत के नाते, कि जिस तरह हम अब देख रहे हैं कि जो कुछ हमारे इर्द-गिर्द में हो रहा है, हॉस्पिटल में जो कुछ हो रहा है, हम भी इस तरह की कुर्बानियां दें
और इंसानियत के लिए काम करें, के लिए काम करें। आप भाई क्या कहना चाहेंगे, ये खबर सुन के हैरत हुई है, यकीन आया कि भाई यार इंडियन ने पाकिस्तानी को दिल दे दिया, और दिल वो नहीं जो हम कहते हैं कि तुम्हें दिल दे दिया, वाकई में अपना दिल डोनेट कर दिया। मेरे लिए तो बड़ी हैरान करने वाली खबर है, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले बात ये है कि बहुत अच्छा गेस्टर दिया है अपना हमसाए मुल्क ने। हैरानी की बात मैं ये कहूँगा, मुझे इस तरह से हैरानी हो रही है कि एक कंट्री जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ है, तो आज उसकी मेडिकल फैसिलिटी इस लेवल तक पहुँच चुकी है कि वो मेडिकल में इतना ज़्यादा आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। बड़ी टेक्निकल बात की है कि मतलब उन्होंने कहा इस बात पे इतनी हैरत नहीं हुई कि डोनेट कर दिया, नो डाउट उधर भी बड़े दिल वाले और बड़ी इंसानियत रखने वाले लोग हैं, यहाँ पे भी इंसानियत रखने वाले लोग हैं। हैरत वाली ये बात है कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किया गया, काफी ज्यादा मतलब कि वो प्रोग्रेस कर चुके हैं, तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्र है कि हमारे कंट्री में इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल क्यों नहीं है। एक पाकिस्तानी जो है उसको इंडिया में जाके ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, वो फैसिलिटी हमारे कंट्री में अवेलेबल क्यों नहीं है आपके ख्याल से? क्यों नहीं है? लेट्स सपोज आपसे कोई पूछे कि यार क्या वजह है हमारे यहाँ पे वो फैसिलिटीज क्यों नहीं मौजूद जो यहाँ वहाँ पे है, तो उसकी क्या रीजन बताएंगे? रीजंस आपको पता है कि काफी सारे रीजंस हो सकती है। अगर आप अभी, मैं कुछ दिन पहले ही न्यूज देख रहा था, आई थिंक कौन से डॉक्टर्स हॉस्पिटल की थी मुझे कन्फर्म याद नहीं है, बट वहाँ पे मैं देख रहा था कि सिंपल सी अब एक जो पेशेंट है उसको ड्रिप लगानी है, तो वो मैं देख रहा था कि वो ग्राउंड्स के अंदर पेशेंट पड़े हुए हैं, बेंचेस पे पड़े हुए हैं और वहाँ पे उनको ड्रिप्स लगाई जा रही है, उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है। अभी तक हमारे कंट्री का ये सूरत हाल है कि हमारे पास एक सिंपल सी एक मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए हमारे पास वार्ड्स नहीं है, हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, तो हम उस लेवल की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे आप हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, कम से कम हमें बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, उसके साथ साथ हमें फिर फर्दर प्रोग्रेस करना। हमें लेकिन ये भी बताया, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है और खासतौर पर नो डाउट अगर मेडिकल के फील्ड पे बात करें, वो अपनी मेडिकल मेडिसिन खुद बना रहे हैं, वो उसे काम करें, लेकिन हमें ये बताया जाता है कि यार इंडिया की आप तारीफ तो करते हो लेकिन ये देखो कि वहाँ पे गुर्बत आज भी बहुत ज्यादा है, ये चीजें बहुत ज्यादा है, तो आपको नहीं लगता कि उधर ये चीजें हैं तो गुर्बत भी साथ है? गुर्बत होना एक और बात है, देखे ना आप, एक कंट्री है सेम रिसोर्सेज एक ही जगह पे लोकेट कर रही है, उसकी जियोग्राफी देखें सेम कंट्रीज है, बॉर्डर के उस इस पार कौन से हालात चल रहे हैं, उस पार कौन से हालात चल रहे हैं, पेट्रोल के रेट्स को आप कंपेयर कर लें, आप फ्लावर के गंदम की प्राइस को आप वो कर लें। अब मैं एक जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ साउथ पंजाब, तो वहाँ पे अब हमें इन हालात का पता है कि आजकल गंदम के लिहाज से हमारे किसानों के साथ, क्योंकि गंदम हमारे इलाके से जा रही है, हमें पता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने क्या किया हुआ है कि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट गंदम लेने को तैयार ही नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे इनकी बात को रोके मैं एक बात करना चाहूंगा, पाकिस्तान में सेम ये बड़ी मैं अथेंटिक खबर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में प्रॉपर जो यहाँ पे जमींदार लोग हैं, जो यहाँ पे किसान लोग हैं, वो अपनी गंदम बेचने की बजाय, जो वीट है वो बेचने की बजाय जला रहे हैं कि भाई हमें तो रेट ही नहीं मिल रहा। ये बड़ी लम्हा है फिक्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ पे ये सिचुएशन है। बिल्कुल ऐसा ही है, आप करें, आप कोई इस तरह की पॉलिसी डिजाइन करें जिसके थ्रू आप एक बीट को आप एक्सपोर्ट करते हैं, इतना बड़ा प्रोडक्शन कंट्री है हमारा, उसको आप उसका फायदा क्यों नहीं उठाते? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को बेसिक पॉलिसीज को पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उन पे अमल करते करते एडवांस लेवल पे जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, तो पहली बात है ये आपने एक सजेशन दी है और बड़ी अच्छी सजेशन दी है, लेकिन ये जो खबर है ये ट्रांसप्लांट के हवाले से, उन्होंने पॉजिटिव गैसियत दिया, एज ए पाकिस्तानी आप क्या, वहां से इंडिया से बहुत से लोग देखते हैं क्योंकि रिएक्शन वीडियोस हैं, तो क्या गेस्चर देंगे, क्या रिप्लाई क्या देंगे? देखिए पाकिस्तानी और इंडियन कैमरे में देख के, पाकिस्तानी और इंडियन अवाम हमेशा से एक दूसरे से दिल से मोहब्बत करते हैं, मैंने जब भी देखा है ना कोई इस तरह की नेगेटिविटी नहीं देखी जिसको सोशल मीडिया पे एक हाइप बना के क्रिएट किया जाता है, पाकिस्तान इंडिया ये वो, मतलब कि जिस तरह मैंने कभी भी दोनों कंट्रीज, हमारे रिसेंटली मैं एक ताहिर खान की वीडियो देख रहा था, काफी ज्यादा वायरल हुई थी, इंडिया से गेस्ट आए हुए थे, उसके रेस्टोरेंट पे गए, वहाँ पे खाना वगैरह खाया, पाकिस्तानियों ने किस तरह का वहाँ पे आप रिस्पांस दिया, सेम इसी तरह जब पाकिस्तानी इंडिया जाते हैं उनको भी इसी तरह का रिस्पांस मिलता है, कोई इस तरह का मसला नहीं है, हमारे बहुत अच्छे हालात हैं, बस ये पॉलिटिकल लेवल पे इसको एग्जैजरेट किया जा रहा है, ऐसे ही है। मीडिया में जो है मेन स्ट्रीम मीडिया की खासतौर पर बात करेंगे चीजें दिखाई जाती हैं, नो डाउट बुरे लोग यहाँ पे भी हैं और नो डाउट वहाँ पे भी, हर सोसाइटी में बुरे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन जब दो नेबर कंट्री हैं और ये आप जो है वो हमसाया कभी नहीं बदल सकते, जब आपको ये चीज पता हो तो फिर आपको अपने रिलेशन बेहतर करने की तरफ जाना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, अगर वहाँ पे कोई चीज डेवलपमेंट की तरफ जा रही है तो हम पहले हम ये सुनते थे लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, अब तो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए भी लोग जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारी हुकूमत को ही सोचना चाहिए, वो अपने मुफाद से हट के इंसानियत की खिदमत करे, इंसानियत को देखे कि क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत है, बाकी दूसरों से सीखे हमें, क्योंकि हमें हर चीज़ की सहूलियत दी गई, दीन ने हमें मुकम्मल हमारी रहनुमाई की है, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर को अपनाते हुए
इस पर अमल करना चाहिए, आप सल्लम के असूलों को अपनाना चाहिए, ताकि हम भी आने वाले वक्त में, बल्कि जब आप सल्लम के असूलों को अपनाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल, आप मजहब के हवाले से बात करें, वैसे तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आपसे ये मैं क्वेश्चन करता हूँ कि भाई ये जो ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर ये हिंदू का दिल हुआ, हिंदू ने डोनेट किया हुआ, तो क्या आपको लगता है ये जायज़ है? मतलब कि भाई एक मुस्लिम लड़की को हिंदू का दिल अगर लग गया तो? देखें, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इंसानियत के नाते किए जाते हैं। जबरदस्त। देखें तो इंसानियत, तो उसने ये नहीं, उसने मजहब देखना होता ना अगर, तो उस कभी भी ना देखा, उसने सिर्फ इंसान को देखा, इंसानियत के नाते उसने अपना दिल डोनेट किया है, तो हमें भी इंसानियत को ही देखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि आपने सुना है, बल्कि बहुत मशहूर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान, ठीक है, यानी उस इंडियन ने पूरे इंसानियत की जान बचाई है। हाँ जी, ठीक हो गया भाई। आप या आप में से कोई बोलना चाहेगा यही सवाल जो मैं बात कर रहा हूँ? पहले तो ये बताएं, आपको ये खबर सुन के कैसा लगा? नॉर्मल लगा कि भाई एक इंडियन ने वाकई में अपना दिल डोनेट कर दिया एक पाकिस्तानी को? बिल्कुल, ये बात मेडिकल हिस्ट्री में मेरे ख्याल से मैंने पहली दफा सुनी है कि हार्ट ट्रांसप्लांट, पहले हेयर का ट्रांसप्लांट होता है, लीवर का ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट होता है ये वाला, लेकिन मेडिकल हिस्ट्री के अंदर ये सबसे पहला काम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, और बड़ी उससे, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे लिए उससे बड़ी बात यह है कि भाई इंडिया पाकिस्तान जो बताया जाता है कि जी दुश्मन कंट्रीज है, एक दूसरे ये है, मुकाबला है, उधर से ये एक पॉजिटिव गेस्टर आना, मेरा ख्याल से ये इंडिया पाकिस्तान तो ये हमारे दिलों के अंदर बसा हुआ है कि हमारे, हमने अनाम बनाया हुआ है। बाकी अगर इंसानियत की खातिर देखा जाए, 69 ईयर का बंदा है और उसने 19 ईयर्स की लड़की को हार्ट दे दिया, उसने एक इंसानियत समझ के, यार मैं तो चलो वक्त आखिर पे हूँ, आगे ज़िंदगी है या नहीं है, लेकिन ये 19 साल वाली लड़की आगे जितना दे दिएगी उसके लिए दिएगी ना, उसने एक अपना जो उसका एक मकसद था उसके पीछे देने के लिए, और भी उसको चेंज करवाना जारी सी बात है, एक सर्जरी है को आधा पौना घंटा, वो भी डॉक्टर्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट की है, और ये हार्ट की जो सर्जरी होती है मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा का तो ही होता है, ये 8 से 10 घंटे की होती है, ऐसे ही उसने भी अपने आप को कटवाया, उसने भी कटवाया, लेकिन एक इंसानियत को जिंदा कर दिया। और मेरा ख्याल है कि ये एक हमारे लिए सबक अमेज है कि आजकल जो हमारा पैसे वाला तबका है उसको चाहिए कि लोग आजकल मेडिकल को लेकर बहुत परेशान होते हैं, कोई अपना टेस्ट के लिए टेस्ट नहीं करवा पाते, कई लोग छुपे रुस्तम होते हैं, कई मतलब अपना जो है वो दुख तो किसी को सुना नहीं सकते, तो पैसे वाले लोगों को ये चाहिए कि कम से कम लोगों के ना छोटे मोटे टेस्ट करवा दें, उनकी मेडिसिन का ख्याल रखें। हाँ, दिल ना दें, लेकिन ये है कि दिल रखें तो जरूर, मतलब अगर किसी को पैनाडोल की गोली की जरूरत है ना, तो मेरा ख्याल है कि मेरे बैग में या मेरी चीज होनी चाहिए, अगर किसी को जरूरत हो तो, मैं अगर दिल तो नहीं दे सकता या इतना ऑपरेशन तो नहीं करवा सकता, लेकिन उसको अगर मैं मेडिसिन दूंगा तो मेरे ख्याल से उसका मेरे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा कि डॉक्टर्स ने फिर एक बार प्रूव कर दिया कि वो भगवान का दूसरा रूप होते हैं, और कहां पाकिस्तानी लड़की जो मौत से जूझ रही थी उसका भारत में फ्री ऑपरेशन हुआ। बट मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि ऐसे भारत में भी तो कितने सारे बच्चे और कितने सारे लोग होंगे जिनको हार्ट की सर्जरी की जरूरत है, पर पैसों की वजह से वो सर्जरी नहीं करवा पा रहे, तो क्या भारतीय डॉक्टर्स भारतीयों की भी सर्जरी फ्री में करेंगे? इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।